अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वाहब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्यू मोबाइल की तरफ से आने वाले क्यू स्मार्ट वंडर सीरीज के X40 की। जी हाँ दोस्तों, X40 इसका मॉडल नंबर है। ऊपर की तरफ कोई भी डिज़ाइन वगैरह नहीं दिया गया कि किस तरह का है हमारा एक्चुअल मोबाइल फ़ोन। खोलने के बाद ही पता चलेगा इसका डिज़ाइन कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है और कुछ इसकी जो है स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, प्राइस टैग की बात करें तो तकरीबन 10,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है क्यू मोबाइल का X40। तो दोस्तों, वक्त जाया किए बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके, तो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्यू मोबाइल क्यू स्मार्ट वंडर सीरीज X40 का बॉक्स। सामने की तरफ आपको क्यू स्मार्ट की ब्रांडिंग मिलेगी, X40 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, वंडर सीरीज लिखा हुआ है यहाँ पर, और 101 दिन की आपको रिप्लेसमेंट वारंटी यहाँ पर मिलती है क्यू मोबाइल की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, इनको अभी चेक करते हैं। पीछे की तरफ एक आपको जो है आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड। बॉक्स को हम जल्दी से कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या मिलता है। ओके जनाब, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 6 इंच की HD+ फुल व्यू वाली जो है यहाँ पर डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, 1.6 GHz का प्रोसेसर है, 3000 mAh की बैटरी है, रैम यहाँ पर आपको 2 GB मिल रही है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, एंड्रॉयड 9 है और 64 GB तक के कार्ड को ये सपोर्ट करता है फ़ोन। तो यहाँ से दोस्तों बॉक्स को निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर जो है हमें एक्चुअल डिवाइस हमारी मिल जाती है क्यू मोबाइल X40 वंडर सीरीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइज़ है डिवाइस का वो काफ़ी कमाल का है। बैक साइड पे आपको मैट फिनिश मिल जाती है, मतलब कि यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं छपेंगे। डिज़ाइन काफ़ी जो है कूल लग रहा है, फ़र्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। तो डिज़ाइन के लिहाज से अच्छा लग रहा है मोबाइल। इसको रखते हैं साइड पे दोस्तों। इसके अलावा देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों एक डाटा केबल मिल जाती है माइक्रो USB वाली, एक आपको चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है क्यू मोबाइल की तरफ से, और एक हैंड फ्रीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं क्यू मोबाइल की तरफ से। इसके अलावा आपको दोस्तों एक बैटरी मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी, इसको भी रखते हैं साइड पर। PTA का स्टिकर अंदर ही है इस बॉक्स के। यहाँ पर DigiCom की तरफ से जो है वारंटी दी गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके फ़ोन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, उसके लिए भी एक बुकलेट दिया गया है, ये उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर बॉक्स के अंदर ही। ओके, तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग आपने देख ली, तो ये हमारा फ़ोन। सबसे पहले देखते हैं इसके फिज़िकल ओवरव्यू। तो इस साइड पर आपको पावर बटन मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपकी चार्जिंग पोर्ट है माइक्रो USB वाली, और साथ में ऑडियो जैक है। इस साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आपको आपका माइक देखने को मिलता है, सामने की तरफ आपको फ्रंट कैमरा, साथ में LED फ्लैश, एयर पीस देखने को मिल जाता है, और ये जो स्टिकर है हम इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ऊपर की तरफ भी चिन जो स्पेस है वो देखने को मिलती है, नीचे की तरफ भी कुछ स्पेस देखने को मिलती है। थोड़ा सा कर्व सा डिज़ाइन है, ऊपर से भी थोड़ा सा कर्व सा है और नीचे से भी थोड़ा कर्व है। बैक साइड पे यहाँ पर आपको जो है कैमरा मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश, क्यू मोबाइल की ब्रांडिंग है, और नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीकर देखने को मिलता है। यहाँ से बैक जो है इसकी रिमूव होती है, और इसकी बैटरी जो है आपकी रिमूवेबल है इस फ़ोन की भी। तो इस बैक को हम कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर आप जो है 2 सिम्स का यूज़ कर सकते हो, और साथ में एक मेमोरी कार्ड को डाल सकते हो। एक सिम आपकी यहाँ पर डलेगी, एक यहाँ पर डलेगी, SIM 1 और SIM 2, और यहाँ पर आपका मेमोरी कार्ड डलेगा। दोस्तों, यहाँ से बैटरी को डाल लेते हैं फ़ोन के अंदर और फ़ोन को कर लेते हैं ऑन, और देखते हैं हमारा क्यू मोबाइल X40 कैसा है। तो बैटरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, 3000 mAh की बैटरी है, जो कि हेल्पफुल रहेगी आपको, ज़्यादातर देर तक जो है फ़ोन को आप चला सकोगे, बार बार आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर साइज़ भी काफ़ी बड़ा है स्क्रीन का, और बैटरी को डालने के बाद जो सेट है एक्चुअल में वो काफ़ी हैवी मुझे लग रहा है, नॉर्मल फ़ोन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हैवी दोस्तों लग रहा है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। क्यू स्मार्ट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी जैसे ही फ़ोन ऑन होगा। इसको दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं सेटअप और फिर चेक करते हैं इसके कैमराज वगैरह को।
ओके तो फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा जो है कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन फेस अनलॉक यहाँ पर दिया गया है, तो उसको चेक कर लेते हैं फेस अनलॉक को। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस अनलॉक ठीक से वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलता है। ओके तो ये आपका फेस अनलॉक जो है वर्क कर रहा था। यहाँ से कैमराज को चेक कर लेते हैं दोस्तों। रियर कैमरा से हम जो है एक इमेज क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी है हमारे रियर कैमरा की। यहाँ से एक इमेज क्लिक की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं है, बस गुजारे लायक जो है इमेजेस यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। फ्रंट कैमरा को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। फ्रंट कैमरा से एक इमेज क्लिक की है, तो यहाँ पर भी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं है। लो लाइट में तो बिल्कुल लो परफॉर्मेंस दे रहा है दोनों कैमरे, तो नॉर्मल सी क्वालिटी के कैमराज हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। ओके जनाब, यहाँ से हम चलते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर मेमोरी के अंदर यहाँ पर आपको टोटल मेमोरी, एवरेज यूज्ड, फ्री मेमोरी 435 MB है, और स्टोरेज के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर 16 GB इंटरनल स्टोरेज है और 5.91 GB यूज्ड है यहाँ से। तो ये है दोस्तों फ़ोन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको बताना भूल गया, ये जो फ़ोन है क्यू स्मार्ट X40, यहाँ पर आपको डुअल 4G सिम्स जो हैं आप यहाँ पर चला सकते हैं, मतलब कि दोनों सिम्स आपकी 4G सपोर्टेड स्लॉट्स हैं, मतलब दोनों स्लॉट्स में आप 4G सिम चला सकते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि एक में आप 4G चलाएंगे दूसरे में 3G चलाएंगे, यहाँ पर दोनों में 4G चला सकते हैं। 2 GB रैम आपको मिल रही है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, तो छोटी मोटी गेम्स भी आप जो है यहाँ पर खेल पाओगे, मतलब फ्री फायर हो गई उसको खेल पाओगे, पबजी लाइट भी शायद यहाँ पर ठीक से वर्क कर जाए। तो कुछ ठीक लग रहा है, यानी कि इतना बुरा नहीं है ये फ़ोन। 10,000 रुपये की प्राइस टैग के साथ अवेलेबल है मार्केट में। टच वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव वर्क कर रहे हैं, और कुछ जो है इसके अंदर पहले से गेम्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोवा 3 और एसफल्ट नाइट्रो यहाँ पर अवेलेबल है, तो यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो क्यू स्मार्ट X40 वंडर सीरीज़ वाले फ़ोन की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़।